इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के ऐसे दो ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत काम आ सकती है। पहला जो ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाने के बाद आपको कोई भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। ऐड भी करेगा तो आपसे परमिशन लेकर ही करेगा। इसके लिए आपको मोर ऑप्शन पे जाना होगा, जो व्हाट्सएप के सेटिंग के 3 डॉट के ऊपर दे रहे हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट, उसके बाद प्राइवेसी। अब यहाँ नीचे आइए, यहाँ ग्रुप दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे माय कॉन्टेक्ट दे रहा है, माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्शन दे रहा है, तो इसको अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो नंबर सेव है सिर्फ वही आपको ऐड करें, तो माय कॉन्टेक्ट को चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी ऐड ना करें, केवल आप जो जिसको मार्क करेंगे केवल वही आपको ग्रुप में ऐड करेगा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कोई भी मेरे को ऐड ना करें, ऐड भी करें तो मेरे से परमिशन लेकर ही करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो राइट सिंबल दे रहा है इसको पे क्लिक कीजिए, ये अपडेट हो जाएगा। अब आपको कोई भी बिना आपके परमिशन का ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। चलिए इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे होगा। ये दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप से मैं ऐड करके देखता हूँ। यहाँ नाम डालता हूँ जिसको ऐड करना है। देखिए जैसे ही मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, यहाँ बता रहा आप डायरेक्टली उसको ऐड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको उसको इनवाइट करना होगा। इनवाइट जैसे ही टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर दे देगा इनविटेशन टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। अब उसके व्हाट्सएप नंबर पे ये जाएगा मैसेज, अब वो ऐड होना चाहेगा तभी ऐड होगा। चलिए उसके लिए दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज आया है, अब इसको ज्वाइन करना चाहेंगे तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ये बहुत ही काम का सेटिंग है, इसको आप सेटिंग को अप्लाई कर दीजिए, आपको बिना आपके परमिशन का कोई भी ऐड नहीं कर पाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आपको तब होती है जब आप एक मोबाइल में डबल व्हाट्सएप को चलाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट शो नहीं हो पाता है। देखिए नंबर को भी सेव किया हूँ लेकिन ये नाम के साथ शो नहीं कर रहा, सर्च भी करेंगे तो कोई भी नंबर शो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक नाम के साथ सर्च कर रहा हूँ लेकिन शो ही नहीं होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बस आपके मोबाइल के सेटिंग में जाना है। अब यहाँ आपके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो एडवांस फीचर देगा, इसको आपको क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर डुअल मैसेंजर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे दे रहा है यूज सेपरेट कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसको अनचेक कर दीजिए। अब यहाँ पे लिख रहा है अनलेस यू टर्न ऑन यूज सेपरेट कॉन्टेक्ट लिस्ट योर कॉन्टेक्ट लिस्ट विल बी शेयर्ड बिटवीन योर मेन एंड सेकेंड एप्स, यानी कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके सेकेंड एप्स में शो कराना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अब व्हाट्सएप के दूसरे ऐप को रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश करने के बाद फिर इसको खोलिए। अब जैसे ही खोलिएगा इस पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ नाम शो करने लगा, किस नाम से ये नंबर है। और यहाँ पे सर्च भी करिएगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट सर्च होने लगेगा, देखिए सर्च करने पे आ गया।
इसी तरह आप भी अपने मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट को शो करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।